अस्सलाम वालेकुम मौजूद नाजरीन। नाजरीन फिरदौस आशिक अवान बामुकाबला सोनिया सदफ मामला एक नया मोड़ लेते हुए, इस सारे मामले में आखिर गलती किसकी थी? सोनिया सदफ ने अपना बयान देते हुए कहा है कि हम सुबह शाम रमजान बाजार में मौजूद होते हैं और ये कोई बात करने का तरीका नहीं है। हम इस मामले पर आराम से भी बात कर सकते हैं, जबकि गर्मी के मौसम में फ्रूट खराब हो ही जाते हैं। और फिरदौस आशिक अवान के मुताबिक रमजान बाजार में मिस मैनेजमेंट थी और लोग कतारों में लगे हुए थे। वहां मौजूद एक बुजुर्ग खातून ने फिरदौस आशिक अवान को शिकायत की। इसकी शिकायत सुनने के बाद फिरदौस आशिक अवान ने इस खातून को अपने गले से लगा लिया। इसी वजह से एसी साहिबा से तल्ख कलामी हुई और इंतजामिया से कहा कि लोगों को कतारों में ना लगाएं और ज्यादा काउंटर बनाएं। नाजरीन, आप क्या राय रखते हैं इस मामले पर? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल ट्रेंडिंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।